हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डेमोपर बंगाली रिएक्ट्स। मेरा नाम है किश्लेहता। फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे, जो डिमापुर वासी है उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज होने वाला है, क्योंकि एज पर इंडियन रेलवे NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आपका अप्रैल 30 से डिमापुर का स्टेशन का काम चालू हो जाएगा, रिनोवेशन का, ठीक है। और मोदी जी ने बहुत पहले ही, शायद अक्टूबर में या सितंबर में, पता नहीं, मैं डेट भी भूल गया, मैंने उस टाइम एक वीडियो भी बनाया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो मोदी जी ने ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन जो है उसको, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डलवा दिया था कि डिमापुर का जो रेलवे स्टेशन है वो अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनेगा। मतलब 130 रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंदर में डिमापुर का भी नाम आया, लेकिन बहुत दिनों से उसका काम जो रुका हुआ था वो अप्रैल 30 तारीख से शुरू होगा एज पर नागालैंड पोस्ट। उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे का जो, मतलब स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया कि घर में जो मेन हर्डल है एनक्रोचमेंट का, मतलब रेलवे का जो जमीन जो हड़प के रखा है लोगों ने उसको खड़े करने का जो मेन जो वो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके वो लोग चालू कर देंगे। और उसमें साफ तौर से उन्होंने यह भी बताया है कि जो कॉम्पेंसेशन देने का बात है, जो रेलवे का जमीन हड़प करके रखा है उन लोगों को कोई कॉम्पेंसेशन रेलवे से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो डिमापुर वासी के लिए ये खुशखबरी भी हो सकता है और ये दुखखबरी भी हो सकता है। खुशखबरी इस बात से कि एक अच्छा रेलवे स्टेशन जो है वो बनने के लिए जा रहा है और उसका काम 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मतलब एक डेट फिक्स हो गया है उसका, हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और दुख का बात यह है कि बहुत लोगों का उसमें जो रोजी रोटी का जो चल रहा है काम वो बंद हो जाएगा। तो यही है एक अच्छा न्यूज डिमापुर वासी के लिए कि डिमापुर में एक अच्छा रेलवे स्टेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जो मेन लाइन है, जो मेन लाइन्स चल रहा है डिमापुर में उन लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और डबल लाइन होने का बात है। डबल लाइन कब तक होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और डबल लाइन होने के बाद में जो डिमापुर में ट्रैफिक है, ट्रेन है, वो बढ़ जाएगा। अभी असल में क्या हुआ है, अभी डिमापुर स्टेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड हाइस्ट ग्रोसिंग नेट प्रॉफिट, मतलब रेलवे का इनकम का एक जरिया था डिमापुर रेलवे स्टेशन, लेकिन धीरे धीरे करके वो खिताब डिमापुर रेलवे स्टेशन के हाथ से जा रहा है, क्योंकि डिमापुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन कमती आ रहा है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि डिमापुर का रेलवे स्टेशन जो है उसको ऐसा इग्नोर किया जाए, तो उसी के लिए रेलवे और गवर्नमेंट मिलकर उस पर काम स्टार्ट करने वाला है। तो बहुत जल्द आप लोगों का सामने एक अच्छा रेलवे स्टेशन डिमापुर का देखने को मिलेगा और होप करते हैं कि बहुत जल्द उसका काम भी कॉम्प्लीट हो जाएगा और हम लोग उसका सेवा जो है उसका लाभ उठा पाएंगे। तो एक छोटा सा जानकारी था, ये नागालैंड पोस्ट में 11 जनवरी का जो नागालैंड पोस्ट है उसमें मुझे दिखाई दिया, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा जानकारी? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।